प्रणाम जय जिनेन्द्र। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, पानी का ग्लास ले लीजिए और दिव्य अनुभूति के साथ में आज की हम लोग छवि साधना का शुभारंभ कर रहे हैं। त्रिलोकीनाथ दिवादी परमात्मा, प्रभु आदिनाथ परमात्मा की दिव्य कृपा को सभी लोग फटाफट फटाफट अपना नाम कमेंट के अंदर डाल दीजिए। आप कहाँ से हैं वो भी आप सभी लोग लिख लीजिए। और आज हम सभी लोग 3 दिन की दिव्य मां साधना का शुभारंभ कर रहे हैं, तो एक अपूर्व कोटि का ध्यान, म्यूजिक, संगीत, मुनीश्वर स्वामी जी भगवान की आराधना। और हमारा आज का मुख्य विषय है शनि जयंती के अंदर कैसे हम पूरी तरह से इस ध्यान की पद्धति से, ध्यान की साधना से उच्चतम रिजल्टों को प्राप्त करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, दिल से नमस्कार। नमो हरिन्द्राम, नमो सिद्धाम, नमो आर्याम, नमो जयम, नमो लेसुदाम, ये सब जनम कारो सब अपनाष्टो मंगलानंद सर्वेश्वरी परम गवाई मंगलम, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोदाव प्रभु मंगलम स्थूली भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अरहंतो भगवंत इंद्र महिदा सिद्धार्थ श्री आचार्य जी का समझ करा पूज्य उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनि राधा का पंचायत परमेश्वरम प्रतिदिनम कुर्वन्तु मंगलम। पानी का ग्लास हाथ में ले लीजिए। ऐसे ये जितने भी लोगों को पूरी तरह से स्वस्थ होना है, कुछ लिखना है, वो फटाफट जल्दी से क्लास में आकर के बैठ जाइए और पूरी तरह से 6 तारीख बराबर नोट में लिख दीजिए। 6 जून को बराबर शनि जयंती है। यदि लंबे समय से आपके काम रुके हुए हैं और आप चाहते हो कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है, तो बहुत ही गुरुवार का दिन बहुत पावरफुल ये साधना का दिन है, भक्ति का दिन है। और इस दिन की गई आराधना शनि जयंती, शनिदेव का जन्म, हमारा कर्म का जो लेखा जोखा है, कर्म ग्रंथ के अंदर भी जो पूरी तरह से बात आती है कि किस प्रकार से हमारे जीवन में जितना अच्छा यह करते हैं, तो वह सगर मिली भक्तामर हिलिंग 24 पॉइंट। सभी लोग बराबर वीडियो ऑन करते हुए जिन जिन लोगों ने नाम लिखा है उन सभी लोग अपना अपना संकल्प कि शनि जयंती पर आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। ईश्वर के दरबार के अंदर दो ही चीज है कि जो पूर्ण रूप से सारी क्रिया एक समय के अंदर, अभी आपको क्लास की मजा लेना है, अभी आप चाहते हो कि हम तो बहुत पूरी तरह से दुनिया भर के घूम चुकर आ चुके हैं पर अब हमारे जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन हो। शरीर से बहुत कम मिलता है जब तक भाग्य का दरवाजा नहीं खुलता है। हाथ में पानी लीजिए, वो सगरम मंत्र से पूरी तरह से ऐसे 5 बार ऐसे हाथ घुमाते रहिए और अभिमंत्रित पानी, मेरे रोम रोम के अंदर स्वस्थता है, मेरे रोम रोम के अंदर। जब जब भी आप क्लास में बैठो तो यार नोट पेन पानी सारी चीजों को लेते हुए बैठना है। और आज हम पूरी तरह से नेम करेक्शन करेंगे। 22 और 23 तारीख को पूरी तरह से इंडिया भर से हजारों लोग अहमदाबाद में आ रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक ही जो हमारा सूत्र है, घर घर भक्तामर, घर घर भक्तामर हीलर। अभी तक सैकड़ों हीलर बन चुके हैं। आने वाले समय के अंदर एआई का जमाना आ रहा है और उस एआई के साथ में नई टेक्नोलॉजी को सीखते हुए सारे हीलरों को एक सुपर पावरफुल प्लेटफॉर्म मिले, उसी की पूरी तैयारियां काफी समय से जैन अनुष्ठान की पूरी टीम चल रही है। पानी को ऐसे हाथ घुमाते रहिए, पानी का गाज का ग्लास के अंदर पानी रखिए, उसके ऊपर ऐसे स्लोली स्लोली हाथ घुमाते घुमाते मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण पवित्र हूँ, मैं आने वाले समय के अंदर जैन शासन के बड़े बड़े कार्य कर रहा हूँ, मेरे परिचित में जितने भी लोग हैं उन सभी को मैं बहुत हेल्प कर रहा हूँ, तन से मन से धन से जितना भी हो सके। शनि देव मुनि सूरत स्वामी जी भगवान आज कल और परसों 3 दिन जो जो भी लोग आने वाले हैं उन सभी लोगों को 2 स्पेशल म्यूजिक थेरापी, एक है मुनि सूरत स्वामी जी भगवान का, सिर्फ 3 मिनट के अंदर आप कैसे हील कर सकते हो, जिनको बहुत वायु गैस की प्रॉब्लम है, जिनका शरीर इतना फला फूटा है, बहुत मोटा हो जाता है, बहुत सारी गैस हो जाती है, जिनको बहुत सारे विचार वायु, दो प्रकार के वायु रहते हैं, एक रहता है पेट में दर्द होना, अटैक आ जाना, छाती में दर्द होना, और एक होता है कि विचार ही बंद नहीं होते हैं, या तो मल्टीपल विचार चलते रहते, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं। तो उन सभी चीजों के अंदर आपको परफेक्ट डायरेक्शन यानी एक मंजिल के ऊपर आप पूर्णतः आगे बढ़े, आपकी शरीर की सारी शक्तियां आगे बढ़े। चलो सभी लोगों ने ग्लास ले लिया है, ऐसे हाथ घुमाते रहिए और वह सगरम मंत्र के बीजाक्षरों से पानी के अंदर पूर्ण ऊर्जा में, ये पानी अमृत है,
ये पानी आने वाले समय के अंदर मुझे ऐसी शक्ति दे रहा है, मेरा विजन पूरी तरह से क्लियर कर रहा है, दान देने की प्रकृष्ट भावना मेरे भीतर के अंदर प्रकट कर रहा है, मैं करोड़ों रुपया लोगों को दे रहा हूं, दे रही हूं और करोड़ों रुपया को आकर्षित कर रही हूं। वसगहरं भासं पासं मन्नामिकं मगनमुकं विसर विसरिन्नासं मंगलकल्याणावासं विसर पुलिंगमन्दं कण्ठेधारे जोषयामणो तस्सकहरोगमारी वि बहुबलो होइ नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदो गच्छं तुह समत्ते लद्दे चिंतामणि गब्बायव बहिये पावन्ति अविघेणं जीवाय रामनं दानं यः सन्तु महायस बत्ति परनिबरेण तादेव निजमोहि भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद। आ पानी अमृत छे, यह पानी अमृत है, यह पानी अमृत है, यह पानी अमृत है, मेरे शरीर में जाते ही पूरे शरीर की सारी फ्रीक्वेंसी को बैलेंस कर रहा है। धीरे धीरे स्लोली स्लोली सभी लोग पी लीजिए। नमो नियंदाम नमो सिद्धाम नमो आयराम तामर व्रणत मोलिमा। शरीर का पूरा सुरक्षा कवच स्लोली स्लोली पानी सारा जिन्होंने भी पी लिया है मस्तक के ऊपर हाथ रखिए। दिन में 100 250 30 50 लोगों को आप मिलते हैं, 15 20 लोग आपको टच करते हैं। कभी कभी हमारी ओरा कमजोर हो जाती है, हम मायूस हो जाते हैं कि यार मजा क्यों नहीं आ रहा है, हमारी ओरा क्यों नहीं बढ़ रही, नए दोस्त क्यों नहीं बन रहे। तो आप बार 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 जैसे ही आप घर में आते हो या सुबह में शाम में सिर्फ 1 मिनट की छोटी सी प्रैक्टिस जो आपको बहुत सारे हाई एनर्जी के अंदर क्रिएट करता है, पहले नंबर के अंदर मस्तक के ऊपर आ, सेकंड नंबर के अंदर गले के ऊपर आ, तीसरे नंबर के अंदर जो है हमारा हार्ट चक्र, मिट्टी में सब भूयेषु जगत के सभी लोगों को मैं व्यक्त कर प्रेम कर रहा हूं, और आखिरी के अंदर नाभि के अंदर पूर्ण गंभीरता, पेट की जितनी भी सारी समस्या है, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र दोनों को आपको हील करना है। जब तक आपका मणिपुर चक्र पावरफुल नहीं होगा तब तक आपके पास करोड़ों रुपया नहीं आएंगे, बड़ी बड़ी आप स्कीम नहीं बना पाएंगे, बड़े बड़े आप पैकेजेस नहीं ले पाएंगे, आपके पास ऐसा पैसे देने वाला क्लाइंट ही नहीं आएगा। आप चाहेंगे कि मेरे पास तो मेरे आस पड़ोस में सारे रिश्तेदार ही है, कैसे 200 रुपया 500 रुपया मांगू। आप बिलीव नहीं करेंगे लाखों लाखों रुपया इस जगत के अंदर ऐसे ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार पड़े हैं कि जो एक एक चीज के, अभी सुरेश श्रीमाणी करके हैं बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, आप देखना पढ़ना, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को आप देखेंगे पढ़ेंगे सुनेंगे जो पूरी तरह से खाली एक वास्तु देखने का 3.5 लाख रुपया लेता है, और वो एक जगह पे जाकर के देखता है, और उसके बाद जो उनके घरों में रिजल्ट आता है। जामनगर के अंदर कैलाश धनरक्षा यंत्र, हम हजारों बार कहानी सुनते हैं कि मुकेश भाई पेट्रोल पंप भरते थे, वहां पर उनको एक संत मिला और वो संत ने उनको एक यंत्र दिया कैलाश धनरक्षा यंत्र, और उसके बाद आज आप देख रहे हो कि उनके दोनों बेटों ने इतनी तरक्की की इतनी तरक्की की इतनी तरक्की की। वो कैलाश धनरक्षा साल के अंदर एक ही बार जामनगर के अंदर तैयार होता है। इतने सारे अफ्रीका जब में था, इतने लोगों के घरों के अंदर देखा, एक छोटा सा जो हमारे देरासर के अंदर सिद्ध चक्र भगवान का जो यंत्र होता है उसी उसी साइज का यंत्र, लेकिन इतनी उनके अंदर हाई एनर्जी होती है, एक एक यंत्र 10 10 लाख रुपए में लोग लेते हैं, और जैसे ही वो फैक्ट्री में रखते हैं पूरे साल का जो टर्नओवर किया है उससे 3 गुना 4 गुना 8 गुना 10 गुना टर्नओवर, क्योंकि आप अकेले हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी रहती है। मैं कितना भी जोर से बोलूंगा तो मेरी आवाज शायद 50 लोगों तक जाएगी, 100 लोगों तक जाएगी, और जोर से बोलूंगा तो 150 लोगों तक जाएगी, लेकिन मेरे आगे जैसे ही मैं माइक लगा दूंगा तो मेरी माइक की कैपेसिटी अनुसार 1,000 लोगों के पास भी जा सकती है, 10,000 लोगों के पास भी जा सकती है। तो एनर्जी का, टूल्स का जितना ज्यादा आप उपयोग करेंगे, आज हम सीखने वाले हैं सबसे पहले हमारे नाम को पावरफुल बनाओ। आपने देखा होगा कितने सारे बड़े बड़े स्टार जिनको 50 साल 60 साल 70 साल के बाद प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन आप आलिया भट्ट को देखेंगे 25 साल की है पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो गई है। जब तक आपका नाम जो है 1.25 लाख बार नहीं बोला जाता है, मैं 2019 तक तपोवन के अंदर मेरी पढ़ाई हुई, तपोवन के अंदर पढ़ाई होने के बाद तब तक मेरा नाम था निकुंज सेठ, मेरी सरनेम सेठ थी। उस वक्त मेरे गुरुजी ने एक बड़े काउंसलिंग को बुलाया, एक अच्छे पंडित जी को बुलाया, उसने बोला कि नहीं, इसके नाम के पीछे सेठ नहीं लगाना है,
उसने आप मेरे पूरे ने पुराने जितना भी अकाउंट देखेंगे उसमें सभी जगह पे निकुंज सेठ निकुंज सेठ निकुंज सेठ ही लिखा हुआ रहेगा। जिस दिन से निकुंज गुरुजी कर दिया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी 20 कंट्री में से लोग मेरे साथ रोज के 1 लाख लोग जुड़ रहे हैं, और आप सभी के आशीर्वाद से आज यूट्यूब के अंदर करीबन 1,05,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। ये खाली वर्ड्स का प्रभाव। तो आज हम आपकी जितने भी सभी लोग नोट पेन ओपन कर दीजिए, और ये एकदम इजी साइंस है, इसको कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे यदि आपके पास पैसा है तो अच्छे काउंसलर के पास जाकर के आप अपना नाम करेक्शन कराइए, नहीं भी है तो इसका जो इजी चार्ट है आप खुद बोलिए और हजारों लोगों के पास बुलाइए, आपका नाम मंत्र बन जाएगा। 24 तीर्थंकर भगवान का नाम मंत्र बन चुका है, भगवान श्री राम का नाम मंत्र बन चुका है, विश्व के जितने भी उत्तम व्यक्ति है, गणपति जी भी एक सामान्य कक्षा से शंकर भगवान के घर पे जन्मे, जिनका जन्म हुआ, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी मांगलिक कार्य करना है तो सबसे पहले किसको याद करते हैं? दुनिया में ऐसी कोई शादी नहीं हुई होगी कि जहां पर भगवान गणपति जी को याद नहीं किया होगा। तो इसी प्रकार से शंकर भगवान है, पारसनाथ भगवान है, आदिनाथ भगवान है, 24 शक्तियां है, हमारी कुलदेवी माता। कुलदेवी माता कैसे बनी? क्योंकि तो पूरे परिवार के अंदर, पूरे ग्रुप के अंदर कोई भी एक दो पवित्र आत्मा है। या शनि जयंती के ऊपर मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूं कि 6 तारीख को शनि जयंती है, और उसके अंदर भी जिनकी मकर राशि है, जिनकी कुंभ राशि है, जिनकी मीन राशि है, जिनकी मिथुन राशि है, उन सभी लोगों को खास करके 5 ऐसी टिप्स आज मैं आपको लिखाने वाला हूं, कि यदि आप चाहते हो कि फटाफट रिजल्ट मिले। आप पालीताना भी जाते हो तो पालीताना के बीच के अंदर एक आचार्य भगवान ने खडोल करके गांव है, जहां पर मुनि सूरत स्वामी जी भगवान का ऐसा जबरदस्त कोटि का मंदिर बनाया है, हर शनिवार को जहां पर विशिष्ट अनुष्ठान होता है। अहमदाबाद के पास में बगोदरा करके है, वहां पर राजगुरु ही करके जैन तीर्थ है, जहां पर राजगुरु में भी मुनि सूरत स्वामी जी भगवान, वहां पर भी हवन पूजन अनुष्ठान। 99 ग्रहों के अंदर शनि देव को न्याय का देवता माना गया है। आपके साथ बुरा हो रहा है उसका सीधा मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, और उस गलती को रिकवर करना चाहते हो। हमको कोई घाव लग गया है तो आप ड्रेसिंग करोगे तो फटाफट ठीक हो जाओगे। तो सबसे पहले जैन धर्म के हिसाब से मुनि सूरत स्वामी जी भगवान को आपको बैलेंस करना है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको शनि देव को प्रसन्न करना है तो मुनि सूरत स्वामी भगवान की आराधना करनी है। तीसरे दिन में आप सभी लोगों के लिए मुनि सूरत स्वामी जी भगवान का मंत्र और शनि देव का मंत्र आपको भेजने वाला हूं। यदि आप जाप नहीं भी कर सकते हो तो कोशिश करना कि 1 सवा महीने तक ये मंत्र को म्यूजिक बना के, रिंगटोन बना करके आप लगा देना, कि जिसको बार 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 सुनने मात्र से शनि का 3 ही बड़ा काम है, एक तो अच्छे कामों को रोक देना, दूसरे नंबर के अंदर शरीर के अंदर वायु को क्रिएट करना, दुखावास, जिसको शरीर का बहुत दुखावा रहता है वो भी शनि के कारण होता है, और तीसरे नंबर के अंदर आपके साथ धोखा हो रहा है, विश्वासघात हो रहा है, जिसके ऊपर आप उम्मीद लगा कर रहे, कोई बड़े बड़े प्लानिंग कर रहे हो, बिजनेस का प्लानिंग कर रहे हो, किसी के पास आपने सोचा है कि मैं इसके पास से पैसा लूंगा, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, तो वो भी काम अटक जाता है, मतलब आपका शनि कमजोर है। थर्ड नंबर के अंदर लोहे से बार बार लगता है। तीसरे चौथे नंबर के अंदर एक बार बीमारी आने के बाद जाती नहीं है, ये सारे सिम्टम्स है। जो पांचवे नंबर के अंदर चिकने गुंदर जैसा स्वभाव हो गया है, एक बात यदि आपको किसी ने डांट दिया, किसी ने ये कर दिया और वो बात मगज से निकल ही नहीं रही है, तो समझ लेना कि आपके ऊपर शनि जबरदस्त रूप से हैवी हो चुका है और आपके दिमाग से वो चीज को निकालने नहीं देता है। आपने सोचा था कि ये खाना बनाऊंगी, कोई भी कारण से घर के अंदर गेहूं का आटा खत्म हो गया, और गेहूं का आटा खत्म हो गया, अब रोटी नहीं बन सकती, अब दाल चावल बना लेते, सब्जी बना लेते, ढोकले बना लेते, लेकिन गेहूं का आटा खत्म हो जाने के बाद आधा घंटा यदि आपका दिमाग खराब हो जाता है तो समझ लेना कि मेरी फ्रीक्वेंसी बराबर काम नहीं कर रही है। कोई व्यक्ति सहज के अंदर आपको इग्नोर कर रहा है, आपका अपमान कर रहा है, और
और आपको लग रहा है यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों, मेरे क्यों अच्छे दोस्त नहीं बन रहे, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिल रहा है, उन सभी लोगों को नंबर एक तीन चीजों से हमेशा सारे ग्रह सिद्ध होते हैं। पहले नंबर में तो बढ़िया से बढ़िया अच्छी तरह से पूजा कराओ, जिनके पास पूजा है, जिनके पास पैसा है वो लोग पूजा कराएंगे, जो नहीं करा सकते वो तीन चीज करेंगे, और आपके सारे रिलेटिव को आपको बताना है। पहले नंबर के अंदर होता है मंत्र जप, 12,500 मंत्र का जप करो, ओम रीम श्री अर्हम श्री मुनि सुब्रत स्वामी ने नमः, अथवा तो ओम सम शनेश्वराय नमः। सभी लोग बहुत अच्छी तरह से नोट बना रहे हैं, और इस नोट को मैक्सिमम लोगों के लिए आगे से आगे सभी लोग फॉरवर्ड करेंगे। तो पहले नंबर का हो गया मंत्र जब, दो प्रकार के मंत्र अभी जगत के अंदर जबरदस्त प्रभावशाली है, करोड़ों बार गुना गया है। एक है ओम रेम श्रीम आराम श्री मुनि सुव्रत स्वामी ने नमः, ये हो गया मंत्र जप। जितना ज्यादा आप मंत्रों का जप कर सकते हो, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है बस माला लेकर के बैठ जाओ, दक्षिण दिशा के अंदर, क्योंकि शनि जब प्रसन्न होता है तब यश कीर्ति नामना सत्व ताकत जबरदस्त बढ़ जाती है, सारे दुश्मन आपके सामने आ गए हैं। और भक्तामर सूत्र की आप गाथा लिख लीजिए, शनि राहु और केतु तीनों का प्रभाव सेम है। भक्तामर सूत्र की गाथा नंबर 17, 70 नंबर की गाथा आपके कुंडली के स्टार को चमका देती है। आपने सुना होगा कि रंग को राजा बना दे, राजा को रंग बना दे, ये सभी काम शनि करता है। तो पहले नंबर की चीज है मंत्र जप। आज मैं आपको पांच दान लिखाने वाला हूं, अभी हम सीखेंगे सबसे पहले हमारा नाम का करेक्शन। 3 दिनों के अंदर शनि देव की ऊर्जा को प्राप्त कर लीजिए, हजारों लोगों लाखों लोगों में से आप एक विरले हो जाएंगे, शरीर में रोमे रोमे स्वस्थ आनी चालू हो जाएंगे, रोज के हजारों लाखों रुपया आना स्टार्ट हो जाएगा, घर में लंबे समय से जो झगड़े हो रहे वो झगड़े खत्म हो जाएंगे, सोल्यूशन के आप पूरी तरह से देवता बन जाएंगे। तो पहले नंबर में मंत्र जप है, दूसरे नंबर के अंदर है तपस्या। तो हर शनिवार को आप एकासना करें, शादी में विलंब हो रहा है, अच्छी दुकान बनानी है दुकान नहीं हो रही है, अच्छा बिजनेस चालू करना है उसमें रुकावट, शनि का दूसरा पर्याय है रुकावट, तप करें जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। हर शनिवार को पहले नंबर के अंदर ऊपर शनिवार को आप उपवास करेंगे, उपवास नहीं होता है तो आयम्बेन, आयम्बेन नहीं होता है एकासना, एकासना नहीं होता है तो पूरी तरह से आखिरी चीज एक टाइम भोजन करो। शाम को फल फ्रूट खा लो, एकासना कर लो। तो पहले नंबर में मंत्र जप, दूसरे नंबर के अंदर तपस्या, और सबसे फास्ट यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो आज पांच चीजें मैं लिखाऊंगा, उसका नाम है दान करे। हमारे धर्म के अंदर पहली चीज है दान सील तव भावना शिव पुर मार्ग अचार, दूसरों को दिए बगैर जीवन के अंदर कभी कुछ नहीं मिलता है। गरीब इसलिए इसलिए इंसान गरीब रहता है कि वो कभी देने का सोचता ही नहीं है। और ऐसे आप देखना गरीब लोग भी कितने ऐसे ऐसे अमीर होते हैं, मैंने ऐसे कितने सारे गरीब लोगों को देखा कि जो मांग करके रोटी लेकर के आते हैं और ला करके फिर अपने घर के आसपास में सारे कुत्तों को बुलाते हैं और उन सभी कुत्तों को थोड़ी 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 रोटियां खिलाते हैं, जो मिला है उसके अंदर बांटिए। और ऐसा जरूरी है कि पैसा देना ही दान है, समय देना वो भी बड़ा दान है, किसी को पानी पिलाना वो भी बड़ा दान है। जीवन के अंदर जिनके जैन शास्त्र के अंदर वास्तुसार नाम के ग्रंथ में लिखा है कि जिनकी भी पत्रिका के अंदर कुंडली का दोष है, पितृ दोष है, अभी भाद्रवा महीने में आप सभी लोगों की पितृ दोष की पूजा होगी, जिनको वारसागत बीमारियां आ चुकी है, पिता को डायबिटीज था, पिता को कैंसर था, वो सारी डीएनए सारे जर्म सारे हमारे भीतर में आने वाले ही है, वो यदि आपको तोड़ना है, उस साइकिल को तोड़ना है
यदि आप यदि स्वस्थ नहीं बनेंगे, बार 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 आपको क्यों हम सिखा रहे हैं, यदि आपने बहुत सारी बीमारियां आपके भीतर के अंदर प्रकट कर ली है, तो वो सारी बीमारी आने वाले समय में आपके बेटे बेटी या पोते पोते के अंदर ट्रांसफर होने वाली है। आपको नींद की समस्या है, आपके भीतर में ओवर थिंकिंग है, आप लेट नाइट सोते रहते हो, आप बिना काम के अंदर चिड़ 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 कर रहे हो, आप सही नहीं सीखने के बाद घर में अनाप शनाप बेड वर्ड्स बोल रहे हो, खराब शब्द को आप बोल रहे हो, समझ रहे हो कि आप ही आपके भाग्य को तोड़ रहे हो। तो तीसरे नंबर के अंदर दान, शनि के जो चार दान है वो चार दान को आज हम समझने वाले हैं। पहले नंबर के अंदर धन का, पहले नंबर के अंदर स्वस्थता, भक्तामा रिलिंग का मुख्य मोटो जो है वो स्वस्थता है, तबीयत है। तो स्वस्थता के लिए खास करके बताया गया कि जिनको भी उत्तम कोटि का स्वस्थता चाहिए उन सभी लोगों को खास करके छाया दान करना चाहिए, सभी लोगों को छाया दान। छाया दान का मतलब होता है ये गुरुवार के दिन आपको खास करना है, 1 किलो तिल का तेल, जिनका भी काम रुका हुआ है और तत्काल वो व्यक्ति उस चीज का रिजल्ट प्राप्त करना चाहता है, तो कोशिश आप करना कि आपको 1 किलो तिल का तेल लाना है। और तिल के अंदर आपका मुंह देख करके संकल्प के साथ में, आज मैं शनिदेव के बारे में पूरी तरह से पढ़ रहा था, उसके अंदर भी सारी चीज, हम लोग ये सारा दान दे देते हैं लेकिन दान के अंदर भी संकल्प हमारा नहीं होता है, संकल्प के बगैर कोई सिद्धि नहीं होती है। आ यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, 3 दिन पहले हम आदिनाथ भगवान के भक्तामर इला रहे, भक्तामर स्तोत्र की आराधना साधना करते हैं, 29 तारीख को शत्रुंजय महातीर्थ की सालगिरह की ध्वजा किन किन लोगों ने देखा, हाथ ऊपर कीजिए, यस टाइपिंग कीजिए, ध्वजा को चढ़ते हुए किन किन लोगों ने देखा था, सब लोगों ने देखा, दलता बिंदा में ध्वजा जोई थी, बराबर से बीजू कौन ने जोई थी, लता बेन बागानी, आपने ध्वजा देखते देखते क्या देखा था, क्या आपके मन में क्या विचार आया? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बोलो। ध्वजा देखते समय मैंने ओम रिश्वाय नमः की माला फेरी। ओम ऋषभाय नमः की माला करी, और संकल्प क्या करा आपने? संकल्प यही, परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे। और अच्छा क्या संकल्प कर सकते थे? और अच्छा संकल्प यही कि भाई कितनी सभी कितनी में स्वस्थ ध्वजा रहे। थी पता है क्या? अभी जो ध्वजा चढ़ी उनका नंबर क्या था? 490, 491, 492, किसी को पता हो टाइपिंग करो फटाफट। 493, अभी जो ध्वजा 493, 493 493 की ध्वजा आपने दर्शन किया, उसके अंदर आपने आपके लिए तो बहुत अच्छा संकल्प किया, लेकिन और अच्छा क्या संकल्प सोनल बेन, और अच्छा क्या संकल्प हो सकता था? अवनी जी 493, अद्भुत। निशा जी बांटिया, इस ध्वजा को देख के डॉक्टर रूपल, दर्शिता जी, हमें भी इस ध्वजा का मौका मिले या ये भैया कमजोर। अवनी जी लिख रहे, कभी। मुझे भी ये चढ़ावा लेना है। कितना सारा हमारे लाइफ में, आप एक चीज नोट करना कि अमीर व्यक्ति क्यों इतना अमीर हो रहा है और गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है, और मिडिल क्लास, ये गीता 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 झवेरी क्या जी, गीता बेन, एक व्यक्ति ने बराबर लिखा, ये ध्वजा जब भी चढ़ रही थी आज तो मुझे और आपको पैसे देने नहीं थे, हमको संकल्प यही करना था कि आज पूरी दुनिया शत्रुंजय का दीवानी है, शत्रुंजय की भक्ति कर रही है, तो भगवान मुझे इतना पैसा दे, अभी और मेरे पास 7 साल है, 6 साल है, 6 साल के अंदर मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि जब शत्रुंजय महातीर्थ की 500वीं ध्वजा चढ़े तो उस ध्वजा का लाभार्थी मैं बनूं, ये आप सोच सकते थे? यस और यस। लेकिन मैक्सिमम पल्लवी बिंदु में विचारू तो न तो विचारू, साचू बोल जो, कोई ने आओ मीना ममता जी, ममता जी लोडा, केम विचार नो आयो आपन ने,
हमने हमारी सोच ही इतनी हमने छोटी रखी है ना। कहाँ आपको आज एडवांस में पैसा देना है? परमात्मा के पास आप मांग रहे हैं कि भगवान आप मुझे 7 साल के अंदर 1,000 करोड़ का मालिक बना दे। फिर जब भी बोली लगेगी 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, भले लगाना है तो लगाना पड़े, लेकिन जब तक आपका दिमाग रही नहीं बनेगा। रोज आप बोलो, रोज सुबह में जब भी आप प्रार्थना करते हो, भक्तामर इल्लर का एकदम पावरफुल अफर्मेशन है, आई एम मैग्नेट, मैं मैग्नेट हूं, मैं एक चुंबकीय शक्ति हूं, जो चीज के बारे में सोच रहा हूं वो चीज मेरे पास आ रही है। मैं स्वस्थता के बारे में सोचूंगा, मेरी लाइफ के अंदर स्वस्थता आएगी। मैं अच्छे मित्रों के बारे में सोचूंगा, मेरी लाइफ के अंदर अच्छे मित्र आएंगे। मैं पैसों के बारे में सोचूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी बातें हम सोचते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जिसको इम्प्लीमेंट करना है, जीवन के अंदर उतारना है, तब मैं भी आज आपको भले ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब भी मैं 1 घंटे के बाद मैं मेरे लाइफ के अंदर जाता हूं तो मैं भी भूल जाता हूँ। लेकिन मैंने कुछ कुछ ऐसी जगहें तैयार की है, मेरे मोबाइल में मैंने ऐसे रिमाइंडर डाले हुए कि बार 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 मैं खुद ही, मैंने मेरा जो गोल चार्ट है, विजन चार्ट मैंने लगाया हुआ है कि मुझे ये करना है, करना है, करना है, मुझे 1 करोड़ भक्तामर हिलर बनाना ही है। तो 40 लाख जैन होंगे तो बाकी के 60 लाख कहां से आएंगे, वो मुझे नहीं सोचना है। वो ऑटोमेटिक दुनिया जो है वो हमें हेल्प करती रहेगी। कहीं ना कहीं से आज कितने सारे अजैन लोग, मुझे खुशी की इस बात की है कि कितने सारे गैलेक्सी J2 आज लिखा ध्वजा के लाभार्थी बनू, बहुत बढ़िया। तो आज आप अभी एक नक्की करो कि जहां पर जो भी आप अच्छा देख रहे हैं, जहां पर भी जो भी आप अच्छा देख रहे हो, उस वक्त आपके पास दो ही स्थिति है। एक स्थिति ये, या तो फटाफट यदि आप कहीं पर दान चल रहा है और 5,000 10,000 रुपए का, और आपकी जेब के अंदर 5,000 10,000 एक्स्ट्रा पड़ा है, तो आप सटाक करके लाभ ले लेंगे। अब चल चढ़ावा चल रहा है 5 करोड़ 10 करोड़ का, वो मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? भगवान से कम दुआ करेंगे, भगवान मेरे पास 10 करोड़ रुपया आ जाए और ये पावरफुल कार्य जल्दी से जल्दी। पल्लवी जी तुम्हें विचार दू तो विचार हूँ, रुचि मेरा यार भी 10,000 थायो मने भी आवो लाख करे बुझे क्या रे मर से तमने आटलू बाटू भैणा पजी, क्या रे मर से भगवान ની नहीं ले કૃપાથી મળી રહ્યો છે, ક્યારે રે મર સે તમે ઈશ્વર ને એમ કેસો, વિકલ્પ વાલા સંકલ્પ આપ કરેંગે તો કેસે હમારા સંકલ્પ પૂરા, મુજે લેના હી હે। મેને ભાઈંદર કે અંદર, મીરા રોડ કે અંદર, થાને કે અંદર ઇતની સેવા કી હે, હજારો લોકો કો આપ વહાં જોડ રહે હો, તો ભગવાન તું મુજે એસી શક્તિ દે, 1 લાખ લોકો કો મેં પાલીતાણા લેકર કે આઉં ઓર દાદા કી ધજા ચડાઉં। आज नरेंद्र मोदी इतना काम क्यों कर रहा है? ऐसे लोगों की वॉलपेपर ना आपके मोबाइल के अंदर रखो, जिस दिन आप कमजोर हो जाओ, जिस दिन खा पी के सो जाओ, जिस दिन आप रील चला रहे हो, जिस दिन आपको लग रहा है कि आज मैंने 5,000 10,000 50,000 रुपया नहीं कमाया है, आज मैंने 2 5 10 हजार लोगों को दान में नहीं दिया है, अभी गर्मी की सीजन है, मेरी ओर से यदि 25 रुपए का भी ठंडा पानी का एक मटका कहीं पर नहीं जा रहा है, तो इस जगत के अंदर मुझसे यदि बदतर इंसान कौन नहीं है? क्या 25 रुपए का दान नहीं कर पा रहे हो? एक ठंडे पानी का जग 20 25 रुपए का आता है, जहां पर संस्था चल रही है, कम से कम मेरी ओर से 50 लोगों के गले के अंदर तो ठंडा पानी जाए, सुकून मिले, किस काम में आएंगे आपके पैसे? छाछ का आयोजन चल रहा है, भूखे का भोजन का चल रहा है, जो आप कर सकते हो, मैंगो का रस निकाल के आपके आसपास में साधु साधु जी भगवान थे उनकी भक्ति करो, जो गरीब गुरबे है, उन छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ में एक एक आप मैंगो दीजिए। कभी जीवन के अंदर सक्सेस को प्राप्त करोगे, कोई मणिभद्र जी, कोई पद्मावती माता ऊपर से आपके आपके तिजोरी में जमा करके 500 के बंडल नहीं देने वाले हैं, लेकिन कंटिन्यूज आपने खाली 20 20 रुपया भी पानी के जग का दिया, यहाँ पर 15 दिन 20 दिन 21 दिन जैसे ही होता है जमा करके आपके पति को, आपको ऐसी बड़ी लॉटरी लगती है कि पता ही नहीं चल गया कहीं से 50,000 आ गए। फिर आप कैलकुलेशन करेंगे, मैंने पानी के दान में तो 400 500 रुपया दिए थे, ये अचानक कहां से प्रकृति ने मल्टीप्लाई होकर के मेरे जीवन के अंदर खुशियां डाल दी। शुरुआत छोटे 1 रुपये से करो, आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, 5 रुपये की 5 चॉकलेट ला गए, शेयर बाजार के अंदर लोग हजारों रुपया हार जाते, 5 लाख 10 लाख 25 लाख हार जाते झटाक करके, आप रिकवर लाना चाहते हो शेयर बाजार के अंदर से, इजी मनी से आपको देना ही पड़ेगा। दिए बगैर जगत में, भगवान बड़े अक्षरों में लिख लो कि भगवान को भी समकित की प्राप्ति, आदिनाथ भगवान हो चाहे महावीर स्वामी भगवान हो,
इन दोनों की आप स्टोरी सुनेंगे अपने प्रथम तीर्थंकर और 24 तीर्थंकर भगवंत की, तो कि उन दोनों को भी सम्यक्त्व का दान, यानी मैं तीर्थंकर भगवान बनूंगा, वो जो समकित होता है वो समकित भी दान देने से, यानी गुरु भगवंत को गोचरी बोराने से मिला है। नैसार ने भी लकड़े काटते काटते वहां जंगल के अंदर घूमे, वहां पर गुरु महाराज को गोचरी हो रही, गुरु महाराज ने ज्ञान दिया और ज्ञान का चिंतन करते करते, अब खाली कल्पना तो करो कि गुरु महाराज ने कितनी रोटी हो रही होगी, 10-15 रोटी, 2-3 कटोरी साग, 2-3 कटोरी दाल चावल, उन सारी चीजों का वैल्यू करो तो 500 रुपया, 1000 रुपये का खाना हुआ, लेकिन 1000 रुपये का खाना की कीमत के अंदर भावधारा में ऐसे चढ़े कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंद नहीं सर ने किया। शनि जयंती, शनिदेव यही सिखा रहे कि जो भी आपके पास है स्वस्थता के लिए आपको छाया दान करना है। अब सभी लोग नोट के अंदर लिख लीजिए, अभी 10 मिनट बहुत अगत्य का, आज हम लोग नाम थेरापी करने वाले हैं। नेम को बराबर करेक्ट करो, गलत नाम से यदि आपको बुलाया जा रहा है तो आप कभी भी जो है अमीर नहीं बन सकते हो, स्वस्थ नहीं बन सकते हो। इसका फोटो सभी लोग एकदम बराबर लिख लीजिए, इसका फोटो ले लीजिए सभी लोग, एक बार सभी लोग अपना नाम फटाफट टाइपिंग कर दीजिए, सभी लोग जो आप नाम बोलते हैं वह नाम और आपकी सरनेम। आज आपको मैं लाइव के अंदर सारे लोगों को, डॉक्टर रूपल जी 500 रुपया, खूब सरस खूब सरस, अकेला नाम नहीं लिखना है, पूरा नाम आपको लिखना है। वंदना जी आप सेट ACGTH जैसे लिखते हो या SHE, जो आप लिखते हैं वैसे आप बराबर टाइपिंग कीजिए, नाम और सरनेम दोनों चीज, क्योंकि नाम ही मंत्र है। प्रभु नामनी औषधि खरा भाव थी गाय, रोग शोक आवे नहीं सब संकट मिट जाए। बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम रहती है, जिनका नाम अलग होता है और राशि अलग होती है, मैक्सिमम ड्यूल विचारधारा, उनकी लाइफ के अंदर दोनों राशियों के गुण मिलते हैं और जिसके कारण काफी बार अच्छे डिसीजन लेने में भी दिक्कत आती है। एक ही नाम, नाम पढ़े और पूरा वातावरण चेंज हो जाए, नाम के अंदर ऐसी ऊर्जा। 24 तीर्थंकर भगवान का भी आप एनालिसिस देखेंगे तो 24 तीर्थंकर भगवंत में भी कुछ कुछ ऐसे भी भगवान है जिनके नाम बहुत सारे लोगों को नहीं आते, लेकिन 2-3 भगवान के नाम ऐसे ही है कि जैसे अपन नाम भी ले तो मुंह पे खुशी आ जाती है, एक आशा का किरण बनता है, जिसके अंदर पहले नंबर के अंदर नाम आता है भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी का। भारत में आप जितने भी विश्व के अंदर कोई भी आप मंदिर देखेंगे, सारे मंदिरों के अंदर जिनकी प्रतिमा रखी गई है, सारे जैनों के घरों के अंदर जिनकी फोटो रखी गई है, वो पुरुषादानीय पार्श्वनाथ भगवान का आधे ही नाम कर्म जबरदस्त था। कुछ लोग आपका नाम सुनते ही मुंह बिगाड़ देते हैं, कुछ लोगों को ऐसा आपके साथ बात करने का भी मन नहीं होता, इग्नोर कर रहे हैं आपको। तो उन सभी जगह के ऊपर आपको खास 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 सबसे पहले अपनी नाम की फ्रीक्वेंसी, नोट में आप लिख लीजिए, आपके सारे जितने भी यहाँ लोगों को करना है आज और कल हम यही सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम हमारा नाम का करेक्शन कर ले, नाम और सेकंड नंबर के अंदर हमारी सरनेम। अब ये जो पूरा चार्ट है उस चार्ट का सभी लोग फोटो खींच लीजिए, जैसे अभी मैं मेरे नाम का ही आपको करके दिखा रहा हूं जिससे आपको और ज्यादा आइडिया आएगा। मेरा नाम है निकुंज, जिसे काफी जगह पे मैं लिखता हूं निकुंज गुरुजी। इसका हम अभी आप सभी लोग टोटल कीजिए, जैसे यहां पर है जिसका नाम ए से हो रहा है वो वहां पर एक लिखेंगे, सभी लोग अपना अपना नाम लिख लीजिए।
तो मेरा एन है, एन का सबसे पहले टोटल ये पूरे नाम का, यहां पर एन का मतलब होता है 5। हम लोग एस्ट्रोलॉजी दिखाते हैं, हम लोग न्यूमरोलॉजी दिखाते हैं, हम लोग मोबाइल नंबर का खास करते हैं, हर 5 सेकंड के अंदर आप मोबाइल नंबर को चेक करते हैं। पर एक चीज समझ लेना कि सबसे ज्यादा बार नाम का उच्चारण आता है। जितना पावरफुल आप अपना नाम को बनाएंगे, उतना जल्दी ही आप सारी चीजों को आकर्षित बनेंगे, एक मैग्नेट बनेंगे। आप भक्तामर की साधना करेंगे, आप वो सकर्म की साधना करेंगे, आप 10 लोगों के साथ में कोई भी महाराज साहब जी को मिलने के लिए जाएंगे, जैसे ही आपका नाम पड़ेगा, सामने वाला वो जो साउंड है, वो जो ध्वनि है, वो जो फ्रीक्वेंसी है, आई का होता है, एक होता है, के का होता है, दो। सभी लोग अपने अपने नाम का, अपने अपने और अपने हस्बैंड दो लोग, या अपने या अपने बेटे का, दो लोगों का घर में जो भी, एक तो आपको आपको खुद के लिए करना है यदि आपको हेल्थ में इंप्रूवमेंट चाहिए। और कैसे इंप्रूवमेंट किया जाता है, कैसे अपने अक्षय कुमार ने अपने नाम को चेंज करके जबरदस्त कोटि का वो रॉकस्टार बन गया। हम सभी लोग बनना चाहते हैं टॉप लेवल के, लेकिन थोड़ा सा जो वर्क करना रहता है वो वर्क कभी नहीं करते हैं, या वर्क करने वाले लोगों के पास नहीं जाते हैं, इधर उधर यूट्यूब की चीजों को देख करके करते रहते हैं, जिनसे हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट मिलता नहीं है। आज आप खुद लिखो, सभी लोग, ये पूरा चार्ट के हिसाब से सभी लोग पूरी तरह से, अपने अपने नाम सभी लोग लिख रहे हैं, HR जैन, राकेश जी शाह, सोनम जी गांधी, सभी लोग लिख रहे हैं अपना अपना नाम और नाम की पूरी फ्रीक्वेंसी। हमारा नाम ही मंत्र बन जाए, हम तीसरे भाव में जो मोक्ष में जाना चाहते हैं, आज से अभी से वो पूरी तैयारी, दीपाली जी, दिनेश, सभी लोग अपने अपने नाम का करेक्शन करें। और जैसे ही लोग आपका नाम ले रहे, आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, गति बढ़ रही है, आपका व्यापार बढ़ रहा है। धीरू जी पटेल, खूब खूब धन्यवाद। सरला जी, सभी लोग अपने नाम को करेक्शन कीजिए, इसी प्रकार से पूरे चार्ट को कीजिए। निखिल जी साहब भी जुड़ चुके हैं। मेरा नाम का हो गया है कंप्लीट। अब मेरी जो सरनेम है, सरनेम यानी मुझे जो अवार्ड मिला है, बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ाया है, इसीलिए मेरे तपोवन में से मुझे गुरु जी का जो अवार्ड मिला है, इसीलिए मेरे नाम के पीछे निकुंज गुरु जी, जो हम लोग लिखते हैं। पुनीत जी वर्मा, आप भी आपके नाम को इतना बेहतरीन बनाएंगे। समीर नंदू, सभी लोग अपने अपने नाम लिख लीजिए। आज आपको नहीं भी आएगा तो कल मैं आपको और डिटेल से वन बाय वन सभी का करेंगे, लेकिन आज कोशिश करें कि पहले नंबर में मुझे मेरी हेल्थ को अच्छी करनी है, और मेरे पतिदेव या मेरा बेटा बिजनेस कर रहा है तो आने वाले 6 महीने में जो हमने अभी तक 6 महीने में कमाया है, उससे भी कई गुना ज्यादा नेक्स्ट 6 महीने में मैं कमाना चाहता हूँ या कमाना चाहती हूँ। ये मैंने मेरा पूरे नाम का टोटल लिखा है, निकुंज गुरु जी, 5 N का होता है, 5 I का होता है, ये पूरा जो है, हजारों लोगों ने स्टडी करते हुए ये पूरा टेबल क्रिएट किया है कि नाम की फ्रीक्वेंसी में कितने नंबर आते हैं। ये चार्ट सभी लोग एकदम ध्यान से देखना, और इस चार्ट का सभी लोग बराबर इसका फोटो भी ले लेना, कि जिनके कारण आप सैकड़ों लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं। आज एक नाम करेक्शन कराने के 50-50 हज़ार रुपया लगते हैं, सही दिशा में बिजनेस करने के लिए 50 हज़ार रुपया लगते हैं। आपको लोगो बनाना है,
आपका मोबाइल नंबर आपका लकी है या अनलकी, यदि वो आप चेक नहीं कराएंगे लंबे समय से, जिनके भी मोबाइल नंबर के अंदर 48 या 48 आता है, सुनीता जी बीड 5964, बर्थडे नहीं लिखना है, जितेश बी जैन, टोटल दो के ऊपर आ रहा है आपको। जितेश जी आप क्या कर रहे हो, आज आपने आपका नाम लिखा है, कल हम दो चीजों की चर्चा करेंगे, आप हाउसवाइफ है या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या हेल्थी होना चाहते हैं। एक से लेकर के 9 नंबर तक सबकी अलग 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 फ्रीक्वेंसी रहती है। जिनको टीचर बनना है, जिनको ग्रोथ करना है, जिनको पढ़ना है, जिनको पीएचडी करना है, उन सभी लोगों को मैक्सिमम कोशिश करना है। सबसे बेस्ट टू बेस्ट अंक है वो 5 है। अपने नाम का वैशाली जी जैन रतलाम, आपको डबल मेहनत, आपको एकदम जो है सूर्य के ऊपर 1 नंबर के ऊपर लाना है, क्योंकि नॉलेज भी बहुत है, सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा जो हम स्पीड जिनकी नहीं बढ़ रही है, स्लोली स्लोली, बहुत स्लोली, जो काम एक दिन में होता है वो महीनों महीनों तक नहीं होता है। तो हम दो चीजों के ऊपर नाम की फ्रीक्वेंसी लेकर, मिनल सा 5-5, बहुत बढ़िया, सुपर नाम। 6 ऊपर जिनका आ रहा है वो बहुत रिपीट 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 बहुत होने वाला है। 5 नंबर और 6 नंबर, वो नाम हम पहले बनाएंगे फिर हम लिखेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा, फिर आधार कार्ड पैन कार्ड क्या होगा, वो चीजें छोड़ दो। जिंदगी में दो प्रकार की चीजें होती है, एक चीजों को हम चेंज कर पाते हैं और दूसरे नंबर की चीजें होती है कि बहुत प्रोसेस करने के बाद भी जिसको आप चेंज नहीं कर पाते हो, माथा आपका खराब हो जाता है। तो वो चीज को जितना आप कर सकते हो उतना तो करो, आपको बिलीव नहीं करेगा। आज आज का आपका लेसन है, नरेंद्र मोदी की जो सिग्नेचर है ना, वो बार गूगल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, जब वो गुजरात के सीएम थे, खाली वो आप एक सरनेम चेंज कर, सिग्नेचर चेंज करने से, वो जब गुजरात के थे, गुजरात के अंदर ये गूगल, उन्होंने खाली सिग्नेचर चेंज किया और कितना बड़ा उनको बेनिफिट हुआ है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार क्या नाम चेंजेस करना, क्या मोबाइल नंबर चेंजेस करना। आज यूनियन के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो डंका बजा रहे, आपका मगज का फेफड़ा हिल जाएगा। आपके पति देव, आपके बेटे बेचारा झोला उठा उठा करके दुकान में बैठते हैं, भावताल करते हैं, 50-100-200 रुपए के लिए इतनी मेहनत करते हैं, ये खाली सिंगल सिग्नेचर चेंजेस। ये ध्यान से आप देखिए, पहले जब वो गुजरात के अंदर थे, तो गुजरात में जब थे तब इनकी सिग्नेचर ये थी, दिख रहे सब लोगों को बराबर ध्यान से। ये जब गुजरात में थे, गुजरात में इनकी सिग्नेचर ये थी, ये ध्यान से देखना सब लोग, कि एन ऐसे लेते थे और यहां से लेकर के ऐसे पूरा ऐसे लेके जाते थे। फिर उसके बाद उन्होंने सुपर एक्सपर्ट व्यक्ति को दिखाया। आज ऐसा एक समय आ चुका है, ये देखो और डिटेल से आपको समझ में आएगा, ये नरेंद्र मोदी की पुरानी सिग्नेचर। सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखना, खाली अपने नाम को, जब मैंने सुना कि 1,25,000 बार यदि आपके आपके नाम के मंत्र बना दो, और फिर आप दुनिया भर की कोई भी चीज आप खुद मैग्नेट बन जाओगे। ये पहले नॉर्मल साइन करते थे सारी चीजों के ऊपर, ध्यान से देखिए, और उसके बाद जब भी वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने सोचा कि मुझे स्वामी विवेकानंद बनना है, मुझे ऐसा महापुरुष बनना है कि मुझे मरने के बाद भी दुनिया याद करे, आदर्श रूप से देखा जाए। ये पीछे जो दीर्घ ई है, ये दिख रहे हैं सभी लोगों को बराबर, कि मोदी के अंदर ये जो पीछे दीर्घ ई है, जिसके कारण शायद 5-10-50 साल के बाद मोदी नहीं भी रहेगा, लेकिन उनकी जो काम करने की नीति है, आप चाहते हो कि समाज के अंदर मैं कुल दीपक बनूं। आप पैदा हुए तो कितने सारे लोगों के सपने हैं, आपके मम्मी के सपने, आपके पापा के सपने, आपके गुरु के सपने, मेरे सपने। मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूँ बार बार, मीना जी आपको पढ़ा रहा हूँ, ममता जी आपको पढ़ा रहा हूँ, विमला जी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक ही उम्मीद से पढ़ा रहा हूँ। आज औरंगाबाद से एक बहन आए, कपल आए, आधा घंटा 1 घंटे तक बैठ के गए, आखिरी में रो करके गए कि निकुंज गुरु जी, एक ऐसा हमारा और आपका परिवार जैसा रिश्ता हो गया कि मुझे कोई भी प्रश्न होता है मैं बार बार आपको फोन करती रहती हूँ।
और बोले जितने भी आपने अभी तक 5 साल के अंदर प्रवचन के अंदर तीर्थ बताए, सारे तीर्थों में मैं जाती हूँ और वहां पर मैं आपको याद करती हूँ। तब मुझे लगता है कि यार मेरा इतना टाइम निकाल के पढ़ाना, इतनी तैयारी करना एक एक क्लास के लिए, वो सारी व्यर्थ है। आप आपके जीवन के अंदर 50 साल की उम्र, 60 साल की उम्र के अंदर हजारों करोड़ों रुपया नहीं बनाए, 1000 2000 लोग आपको सैल्यूट नहीं मार रहे, रोम रोम से आप स्वस्थ नहीं है, अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, अभी इतनी जबरदस्त चारों तरफ सीजनें चल रही है और उसका एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो शास्त्र कहता है कि 9 प्रकार के पुण्य में से कोई ना कोई पुण्य की कमी है। अभी तक आपका खुद का घर नहीं बना है, शानदार ऑफिस नहीं बनी है, 2 5 10 नौकर नहीं है, और उससे भी बड़ी बात यदि आपको सपने नहीं आते हैं, तो भले ही आप जिंदा है लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जिंदा लाश है। नरेंद्र मोदी की उम्र कितनी होगी, जिसको भी पता है फटाफट टाइपिंग करो, नरेंद्र मोदी की उम्र। नरेंद्र मोदी की उम्र कितनी होगी, किसी को नहीं पता है? 65। सोनल साहब वाह, छोटे बना दिया। एप्रोक्स उम्र उनकी जो है वो 75 से 76 77 होगी। यदि आप कल्पना करो कि इस उम्र में भी वो इतनी मेहनत कर रहे। प्रश्न नंबर 2, अमिताभ बच्चन की उम्र कितनी होगी, किसी को पता है तो फटाफट टाइपिंग करो। अमिताभ बच्चन, थोड़ी सी स्पीड को बताओ, ऐसे ढीले ढीले, पहले कमर से टट्टर बैठ जाओ, सीधे बैठो फटाफट। अमिताभ बच्चन की उम्र कितनी होगी, जो भी लोग 40 50 साल के और ढीले हो गए हैं, अब क्या कुछ भी नहीं होगा, हमारे गांव में कमी आए, हमारे गांव में लाइट नहीं है, हमारे पास में ये नहीं है, वो सारी चीजों को आप भूल जाओ, मुझे जैन शासन के लिए कुछ करना है। मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर मार साहब मरते दम तक इनको हर्पीस हो गया था, पूरा दिन शरीर जलता रहता था, ऐसे विकने ऐसी खराब से खराब परिस्थिति के अंदर, यहाँ पर सबसे बड़े वैद्य के पास वो मलम तैयार कर रहे, यहाँ पर पेट के नीचे वो मलम लगा है, वो मलम लगाते लगाते अपने 35 शिष्यों को रोज 2 घंटे की वाचना दे। यदि हम हमारे बच्चों के लिए काम नहीं कर सकते, हम हमारे समाज के लिए काम नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ हमारे पहले तो विचारों में कमी है। यदि 77 75 ईयर्स में नरेंद्र मोदी दौड़ रहे हैं, 83 ईयर के अंदर अमिताभ बच्चन काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपया है, बड़ी नेम फेम है, काम नहीं भी करेंगे तो भी दुनिया चलने वाली है, लेकिन उनके मन के अंदर भाव है कि जितना जी सकूं। अभी शार्क टैंक इंडिया की डीओ पूरी टीम कौन बनेगा करोड़पति के अंदर गई थी। कभी कभी ना धर्म के साथ में ऐसे लोगों की बायोग्राफी, ऐसे लोगों की बॉडी लैंग्वेज, ऐसे लोगों की जीवनचर्या को भी आप देखेंगे तो आपका मस्तक झुक जाएगा। कैलीकट संघ केंद्र में मैं भी जाके आया, वहां पर इतनी बड़ी जगह हमारे जैन शासन के, अभी कैलीकट के कितने सारे वीडियो मेरे यूट्यूब के ऊपर चढ़ाए, एक ऐसा बंदा है रात को 4 4 बजे तक पेड़ी में बैठा रहता है। 200 से भी ज्यादा घर हमारे हमारे जो वडील थे उन्होंने बना के रखे हैं। केलिकट केरला, जहां पर कितने आखिरी 50 साल में कोई साधु साधु जी भगवान का चौमासा नहीं हुआ है, वहां पर हमने 3 दिन की शिविर की, करीबन 200 लोग आए थे, और आखिरी जो हमारा कार्यक्रम हुआ, 200 लोग में से करीबन 180 लोगों की आंखों में आंसू था कि हमने हमारे जिंदगी के अंदर ऐसा पावरफुल भक्तामणि लिंग पहली बार देखा होगा। सुबह में 9:30 बजे शिविर चालू हो, 3 3 बजे तक शिविर खत्म नहीं हो, एक बंदा खड़ा नहीं होता है, अरबों रुपए के स्वामी है, 7 बजे के बाद कोई ऑफिस नहीं जाता है वहां पर, लेकिन जीवन के अंदर जो आभार का भाव है, जीवन वहां पर घर घर के अंदर रोग मटाने की कड़ा है। कितने सारे लोगों को पेशोटी खींच जाए वो ठीक कर देते हैं, कितने सारे लोगों को नजर लग जाती है, ब्लैक मैजिक हो जाता है चुटकियों के अंदर, और वहां की जितनी भी सारी दादियां हैं उन सभी के अंदर जो ग्रुप है, एक दूसरे के प्रति जो विनम्रता का भाव है, एक दूसरे के घर में जो घुस जाते हैं, सारी चीजों को शेयर कर रहे हैं, उसके लिए उनके चेहरे पे जो खुशी है ना, आप जीवन में खाली ये रियल में देख लोगे तो आपको समझ पड़ेगा कि आज मैं अकेली हूं ना, उसका सीधा रीजन है मेरा कुत्ते जैसा नेचर। ये सुनकर आपको गलत लगेगा,
लेकिन खुशी पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए घिसना पड़ता है, लोगों की सेवा करनी पड़ती है, लोगों के साथ में खड़ा रहना पड़ता है। आप खाली इतना झुक जाते हो ना, लोग अपना मस्तक अपने आपके चरणों के अंदर घिस देते हैं। आपको दो घटना खाली बताऊंगा, मुझे तीसरे दिन रोना आ गया सुबह सुबह में। एक बहन को हमने खाली 108 गुलाब से भक्तामर मंत्रों की पूजा कराई। हम लोग ये फूल लेकर के बैठे थे और वहां पर वो बहन आ गए, मैं और भाग्य भाई दोनों थे, तो हमने सोचा चलो यार बहन आए हैं तो उनको भी लाभ दे देते। आदिनाथ भगवान का इतना प्राचीन, आपको कोई भी बीमारी हुई है वहां का कुंड का पानी बरसों से पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है। इतना पवित्र केलिकट गांव के अंदर कुंड है, कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान के नीचे, और कुंड का पानी औषध के रूप में काम आता है। वहां पर भोजनशाला में हमारी सारी व्यवस्था, नाश्ते की, दोपहर की, खाने की, पूरा सकल संघ का 3 दिन का खाना पीना सब था। लेकिन जब अमाप प्रेम हो जाता है, वहां की 4 माताएं सुबह में 8 बजे हमारे रूम में आती थी, इतना सारा नाश्ता, इतनी सारी चीजों की तैयारियां कर करके, आग्रह कर करके। कभी कभी तो ऐसा हो जाए कि हमारी मम्मी ने भी इतना प्यार से नहीं खिलाया हो, 2 दिन के अंदर उतना उनको लगाव हो गया। और 108 फूल की पूजा जिनको कराई, वो बन इतनी बार रोई होगी, और करीबन मेरे जिंदगी का स्वर्णिम अवसर हुआ है कि ये बात उन्होंने कम से कम 50 बहनों को की कि मैंने 108 गुलाब के फूलों से पूजा की। सेवा का जो भाव है, कृतज्ञता का भाव है, और उसी से चमत्कार होगा। आज शनि जयंती के ऊपर जो मैं 3 दिन का क्लास रह रहा हूँ, आप रेकी हीलिंग कर रहे हो, भक्तामर हीलिंग कर रहे हो, प्राणिक हीलिंग कर रहे हो, आपकी दवा अमाप दवा बन जाए, अमृत औषधि बन जाए। एक ऐसी दवा है कि जो सामने वाले को तुरंत ठीक कर देती है, वो दवा आप 6 महीने तक ले रहे हो फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे हो, और आप चाहते हो कि मुझे मेरी सारी दवाओं को बंद करना है, मुझे रोम रोम से स्वस्थ होना है। भक्तामर स्तोत्र की आपकी 8वीं गाथा है, 41वीं गाथा है, उसके हीलिंग के साथ में रक्षा कवच का यंत्र, आप बिलीव नहीं करेंगे। आपको मैं 5 साल से बोतल बनाने का बोल रहा हूं, वहां पर हमने 200 लोगों के घर के अंदर वाटर थेरापी की बोतल बनाई। ये दीपक जी भी आ गए, देखो अभी जिनकी मैं अनुमोदना कर रहा था। सरलता देखो, रोज के 20-20 किलोमीटर वो चलते रहते हैं, संघ के मकान, संघ के काम, छोटे से छोटे इंसान। मैं तो यहाँ उनकी ओरा इतनी पावरफुल है, मैं उनसे बातचीत किया, मुस्लिम लोग वहां के जो लोकल है वो प्रभावित हो चुके हैं। आपको कितनी बार सुरक्षा कवच यंत्र दिया होगा, वहां पर पूरे संघ ने आखिरी दिन सभी लोगों ने नक्की किया कि हम सभी लोग बोतल बनाएंगे और कम से कम दिन में 1 से 2 बार तो वो अभिमंत्रित जल को पिएंगे और सारे लोगों को पिलाएंगे, क्योंकि तो हम सभी को स्वस्थता चाहिए, हम सभी लोगों को आदिनाथ दादा का प्रसाद चाहिए। तो आज बराबर आप सभी लोगों ने नेम करेक्शन किया है, आप सभी लोगों ने कल, आपको 2 संकल्प इसके नीचे लिखना है, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आने वाले 6 महीने में आप क्या करना चाहते हो, तो उसी के ऊपर हम सभी लोग नंबर को लेकर के जाएंगे। मैक्सिमम लोगों को अपना नाम 5 नंबर या 6 नंबर के ऊपर लेकर के जाना है। तो पहले नंबर के अंदर छायादान, गुरुवार को सभी लोग बराबर आप लिख लीजिए, 1 किलो तिल का तेल लेकर के आना है, 1 किलो तिल का तेल। छायादान, हमारी पत्रिका के अंदर मकर कुंभ मीन राशि है, शनि की पनौती चल रही है, शनि कमजोर है, लंबे समय से कोई भी काम अटका हुआ है, तो संकल्प के साथ कि ये जो तिल का तेल छायादान जो मैं कर रही हूं या कर रहा हूं, उसके प्रभाव से मेरे जीवन के अंदर जल्दी से जल्दी मेरे सभी कार्य संपन्न हो। शनि को जितना प्रसन्न करोगे, व्यक्ति के कर्म और फल के स्वामी शनि है। बराबर आप सभी लोग लिख लीजिए, जो भी आप कर्म कर रहे हो, आपकी बाहू में जो ताकत आती है, साहस लेने का, रिस्क लेने का आपका जिगरा होता है, धन के लिए काले वस्त्र का दान करें, पॉइंट नंबर 2। सेकंड नंबर, आने वाले 6 महीने में आप ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करना चाहते हैं,
धन के लिए आपका फ्रीक्वेंसी अभी तक सेट नहीं हुआ है कि मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए, कैसा बिजनेस करना चाहिए। 6 जून को जिनके जीवन में बार बार दुर्घटना हो रही है, बार बार गिर रहे हो, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार लग रहा है, बार बार चोरी हो रही है, दुर्घटना का मतलब कि हमने सोचा नहीं है उससे विपरीत घटना घटित हो रही है, उन सभी लोगों के लिए काले उड़द का दान करें। दुर्घटना के लिए और आखिरी दो चीज, जिनको अपयश मिलता है, सख्त मेहनत करने के बाद लोग बुराइयां करते हैं, लोग आपके पीछे बुरा बोल रहे हैं, आपको कमजोर कर रहे हैं, आपके बारे में गलत गलत अफवाह फैला रहे हैं, रिलेशन खराब हो रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए प्रकाश का दान, तिल के तेल का दीपक और उनके सामने शनि मंत्र का जाप, ओम सम शनेश्वराय नमः। और जिनको भी प्रमोशन चाहिए, बहुत सारे पैसे को अट्रैक्शन करना है, जॉब और प्रमोशन के लिए आप लोग काम करेंगे, लोहे की चीजों का दान, कोशिश करें कि शनिवार के दिन आपको, गुरुवार के दिन हम लोग जब मिलेंगे तो दो चीज सभी लोग क्लास में लेकर के बैठे, हम सभी लोग संकल्प करेंगे, शनिदेव का आह्वान करेंगे, शनिदेव का मंत्र का चेंटिंग करेंगे और उसके अंदर 1 किलो तेल और लोहे की कढ़ाई है, लोहे का चमचा है, लोहे की कोई भी चीज जो आप गरीब लोगों को जो यूज करते हैं उनको दे सकते हैं, वैसी एक चीज आप लेकर के बैठेंगे और शनिदेव को प्रार्थना करेंगे कि मेरे रोम रोम के अंदर स्वस्थता हो, मेरे रुके हुए सारे कार्य आज ही पूर्ण रूप से चालू हो चुके हैं और पूर्णता यश कीर्ति नामना प्रतिष्ठा मुझे प्राप्त हो चुकी है। इसी के साथ में हमारे साथ में दीपक जी भी जुड़ चुके हैं, तो दो शब्द इन्होंने जीवंत जो अनुभव किया है, कैलिकट जैन संघ के हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं और अमाप सेवा की है, इतना सुंदर उनके अक्षर है, सकल संघ के अंदर जो कोई भी कार्यक्रम हो, जैसे हम लोग निकले उसके बाद नौकार मंत्र का जापता तो उसी के अंदर उसकी मैटर तैयार करना, बोर्ड लिखवाना, आंगी कराना, डेकोरेशन कराना, जीव दया का काम, हार्दिक रत्न श्री महाराज जी वहां पर आए थे तो साधु साधु जी भगवंतों का व्यावच, जो खड़े पग से ऐसे लोगों को आप देखेंगे जिनको रात को 10 बजे नींद आ जाती है, जिनको कभी आसपास वालों का दुख दर्द नहीं सुनाई देता है, वो सभी लोग खाली ऐसे लोगों के साथ में 2-5 दिन रह लीजिए, ये हीलिंग क्या होता है, ओरा क्या होता है, ऐसे पावरफुल चलते ऐसे है। मैंने पूछा कितना चलते हो रोज का, रोज का 20 किलोमीटर। आपको हजारों बार डॉक्टर लोग, अलग अलग लोग बोलते हैं भाई चलो 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 चलो, इतने सारे यहाँ पर क्लास के अंदर कुछ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि जिनका थोड़ा 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 शरीर बढ़ रहा है, डॉक्टर ने बोला है कि बॉर्डर के ऊपर रोग आने वाले हैं, भाग्यशाली जागृत हो जाओ, थोड़ा सा चल लीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर भी हम नहीं कर पा रहे यार। एक बंदा परिवार को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ शासन की सेवा जिनके भीतर के अंदर है, शायद वो निकल गए नहीं है। बिना में छे दीपक भाई के जता रहे छे। चलो हम सभी लोग बहुत तहे दिल से, इनकी वाइफ का नाम है बिना बेन, जो कोचिन के अंदर आए थे और उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि भाई मुझे भी मेरे गांव के अंदर ऐसी शिविर करानी है, मुझे भी कई सारे लोगों को जोड़ना है। आज बंबई से एक बहन का फोन आया, मन की संकल्प भावना देखो, उनके घर पे जबरदस्त कोटि का घर दे रहा सर, और ऐसी भावना का मैं क्या करूं गुरु जी जिन शासन के लिए, बहुत सारे भक्तामृत लिंग का कोर्स किया, अलग अलग बहुत सारे कोर्स किया और उनके मन के अंदर एक ही चिंता, मैं बंबई के अंदर हूँ, किटी पार्टियों में जाती हूँ, अलग अलग जगह के ऊपर जाती हूँ, बस एक ही चिंता हो रही है कि धीरे 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 करके जैनों की सारी बस्ती खत्म हो रही है। आज कितने सारे लड़के लड़कियों की शादियां नहीं हो रही है, इतने बड़े बड़े उपास रही है, इतने बड़े बड़े देरासर है, यदि जैन लोग ही खत्म हो जाएंगे तो आगे क्या होगा। और आज उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि 12 महीने के अंदर 12 में ऐसी शिविर कराऊंगी, घर घर जा करके, शहर शहर जा करके अवेयरनेस प्रोग्राम, कि कम से कम एक घर के अंदर दो दो बच्चे हो,
पूरी तरह से। अभी बंबई के अंदर तो काफी जगह पे ऐसा हो गया है कि लग्न ही नहीं करना है, मैरिज ही नहीं करना है। उन सभी लोगों को हमारा जो श्रावक धर्म है, श्राविका धर्म है, जिन शासन की बड़ी बड़ी बातें हैं, उन सभी को ठीक करने का दृढ़ संकल्प आज ही दोपहर में 12:30 बजे उन्होंने लिया कि और कुछ तो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कम से कम साल के 12 दिन मैं जैन अनुष्ठान को दे रही हूँ और पूरे महाराष्ट्र में उनके लिए साहित्य छपवाना, उनके लिए किटी पार्टी के अंदर आयोजन करना, उनके वहां पर बंबई के अंदर बड़े बड़े लोग जो लंच करते हैं सुबह का दोपहर का खाना साथ के अंदर, वो सब मैं करूंगी। लेकिन मेरी इसी ऐसी इच्छा है कि कम से कम जैन शासन के अंदर 108 नए बच्चों का आगमन हो, प्रभु का शासन और 40-50-70 साल तक चले, तो मैं मानूंगी कि मैंने मेरे पति ने करोड़ों रुपया जो कमाए हैं वो बराबर सार्थक है। और इसी से आपको खुशी मिलेगी, इसी से आपको आनंद मिलेगा। जिस दिन आपके पास कोई गरीब बहनी आएगी और आपको गले लगाएगी कि आपके कारण मेरा जीवन परिवर्तन हो गया है, ढेर सारी खुशियां आ गई है, उस दिन आप समझ लेना कि आपकी दवाई तो चुटकी में भाग जाने वाली है। कोई व्यक्ति आपका चरण चूमेगा, कोई व्यक्ति आकर के बोलेगा कि आपने मुझे भक्त्यामर की 12वीं गाथा दी थी, मेरे बेटे की शादी हो गई, लंबे से लंबी समस्या दूर हो गई। तो कल हम बराबर 24 पॉइंटों का अभ्यास करेंगे, कैसे हम हमारी ऊर्जा का लेवल वधारे, कैसे लोग हमारे के ऊपर ट्रस्ट करें, रोम रोम से स्वस्थता प्राप्त हो। सभी लोग दोनों हाथ से घिसिए बराबर, थोड़ा सा चश्मा को निकाल दीजिए कमर से डट्टार, और पूर्ण आनंद के साथ पंच परमेश्वरी भगवान का ऐसा आप शरणा लीजिए कि आप ऐसे शक्तिमान बन जाए कि एक एक दीपक, भगवान हमारे गुरुदेव बता रहे थे कि हम लोग नई नया जैन शासन की स्थापना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से जो प्रभु ने शासन को स्थापा है उस शासन के अंदर 1, 2, 4, 5 ऐसी चीजें करे हमारे संघ के अंदर, हमारे ग्रुप के अंदर, कि सभी लोग बोले वाह यार मजा आ गया, ये बंदा, ये इंसान मेरी जिंदगी के अंदर आ गया, ये खुशियों का पूरी तरह से पौधा है। आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीथिंग, सभी लोग आंखें बंद और गहरी सांस। कोशिश करेंगे गला, पूरा गला आपका क्लीन होना चाहिए, तब तक सांस लीजिए, गले से लेकर हृदय तक, नीचे बराबर छाती तक आपकी सांस पहुंचे, और भगवान मुझे ऐसा विजन मिले, भगवान मुझे ऐसी शक्ति मिले। शनिदेव कुछ भी कारण से रुकावट आ रही, सभी जितने भी लोग हीलिंग स्टार्ट हो रहा है तो वीडियो ऑन करके बैठ जाइए कुछ पल के लिए, आप स्वयं परमात्मा हो, आपके भीतर के आत्मा को प्रकट कर दीजिए शनिदेव की दिव्य कृपा से। रोम रोम के अंदर शरीर के सारे अंगों के ऊपर, कोई भी काम कर रहे हो तो सारे कार्य को छोड़ करके आंख बंद करके ऋषि मुद्रा के अंदर ये जैन अनुष्ठान के सारे हीलरों की ऊर्जा को मैं रिसीव कर रहा हूं, आने वाले 21 दिनों के अंदर एक यशस्वी इतिहास को मैं निर्माण करूंगी। सारे लोग को बराबर पूरे शरीर को जहां पर भी आपको दर्द हो रहा है, यस थैंक यू निशा जी, आप देख रहे हो सुन रहे हो, मुझे खुशी हुई है आज आपने जो प्रोमिस किया है पूरी एनर्जी के साथ में। उन महा सतियों को आप देखिए, सुलसा को, चंदन बाला को, रेवती को, 16 सतियों को, जो भी आपके आइडल है बस आप उसको देखिए और भगवान मैं इसके जैसा बन जाऊं और एक बूंद प्रभु महावीर के शासन के अंदर में समर्पित कर दूं। समझ लेना कि आप नाचोगे और लाखों लोग आपके पीछे नाचेंगे और ऐसा लगेगा कि यार मैंने जीवन जी लिया है। आंखें बंद, डीप ब्रीथिंग, आखिरी बार सांस लीजिए और कोशिश करें कि मूलाधार चक्र, कमर के नीचे के भागों के अंदर थोड़े से श्वास का अनुभव, और वो अचीवमेंट, वो खुशी, वो हजारों लाखों लोगों के बीच में आप स्पीच दे रहे हो और लाखों लोग तालियां बजा रहे हैं और बोल रहे हैं कि रूपल जी अमेजिंग हो आप, दीप्ति जी आप अमेजिंग हो, निशा जी अमेजिंग हो, पारुल बेन संघवी आपने कलापूर्ण हीलिंग सेंटर खोल करके लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है, और बुलंद आवाज से इस प्रार्थना को दोहराते हुए भगवान के पास दिव्य शक्ति का आह्वान करें। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य
सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा जैना धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा हंत सहारा मेरा है। सभी लोग दोनों हाथों को घिसते हुए खूब खूब दिल से प्रणाम करते हुए, आज मेरे जीवन का एक जबरदस्त पावरफुल आपको चमत्कार बताता हूं। जब आप निष्काम भाव से सेवा करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, 2019 से पंडित जी तो मैं काफी समय से बना था, लेकिन 2019 से हमने भक्तामर हीलिंग का कोर्स चालू किया। पता नहीं था, अभी इसमें भी कितने सारे लोग हैं जिनको फिजिकल कभी 1-to-1 में मिला नहीं हूँ, लेकिन 3 लोग मुझे पुणे में ऐसे मिले कि आज उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर डंका बजा दिया है। करीबन कई महीनों से लगातार वो पढ़ा रहे हैं और 29 तारीख को एक ऐसी अद्भुत भक्तामर स्तोत्र की नाटिका, आप ही में जो जो भी लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, बहाने बनाते हैं। आज हमारा सभी का सौभाग्य है कि हम सभी के बीच में सुजाता जी विद्यमान है, कि जिन्होंने पूना के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर और ये 19 तारीख के बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर भक्तामर स्तोत्र के ऊपर पहली ऐसी पावरफुल नाटिका लेकर के आ रहे हैं। पूरा पूना शहर, ऐसा बड़ा शानदार ऑडिटोरियम, ऐसी शानदार तैयारी, आइए 2 मिनट सुजाता जी आज आए हैं, आप सभी को इन्विटेशन दे रहे हैं कि जिंदगी के अंदर सक्सेस को पाना है, दो हाथ वाला, दो कान वाला, दो आंख वाला व्यक्ति ही हिस्ट्री बनाएगा। कोई आसमान में से फरिश्ता नीचे आने वाला नहीं है, काले हो, गोरे हो, लूले हो, लंगड़े हो, कोई भी हो, लेकिन दिमाग आपका तेज है, मतलब आपकी सक्सेस स्टोरी नक्की है। आइए 2 मिनट पहला जबरदस्त तालियों के साथ में हमारे पूना के पावरफुल हीलर और अभी तक 100 से ज्यादा जीवंत चमत्कार, सारी स्टोरिया, सारी व्हाट्सएप की चैट इनके पास अवेलेबल है, कितने सारे सीए के बच्चों को जिन्होंने पास करवाया है, ऐसे सुजा जी हमारे साथ में है जो आपको नाटिका के बारे में 2 मिनट बताएंगे और आप सभी लोगों को इनविटेशन देंगे कि यदि आपको जीवन में कुछ सीखना है, जीवंत चमत्कार करना है, तो आपको 29 तारीख को पूना आना ही पड़ेगा। प्रणाम सुजाता जी, सातामा जो सातामा गुरु जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, जय जय श्री आदिनाथ। आज जो कुछ भी है सब कुछ गुरु जी आपके कारण है, आपका जो प्रोत्साहन था तो इस शिखर पे हमें लेके गए। और 29 तारीख को, जून 29 को पूना में वर्धमान सांस्कृतिक भवन में न भूतो न भविष्यति, ऐसे हम आदिनाथ दादा के ऊपर एक भव्य भक्तांबर गाथा, ऐसे 200 लोगों के इसमें बहुत बड़ी नाटिका लेके आ रहे हैं, तो आप सभी जन जरूर जरूर पधारना। और ये हमारे ऊपर गुरु जी की बहुत बड़ा आशीर्वाद का छत्र है जिसके कारण हम ये कार्य कर रहे हैं, इसलिए गुरु जी क्या बोलू, बोलने के लिए शब्द भी नहीं है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को, आपके परिवार, मित्रों, दो जैन अजैन सबको लेके आना है, ये मेरा करबद्ध निवेदन है, सभी को सब जन पधारना है। जय जिनेन्द्र, जय जय श्री आदिनाथ। एक बार जबरदस्त तालियों के ताल के साथ में सुजाता जी का स्वागत करेंगे। 200 लोग साथ में मिलकर के ये नाटिका करने वाले हैं, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। जिनको भी अभी भी लग रहा है कि यार भक्तामर से काम होता है या नहीं होता है, करीबन वहां पर 100 लोगों को ये लोग लाने वाले हैं,
कि जिनके जीवन के अंदर भक्तामर आने से अमेजिंग चेंजेस आ गया। शायद डॉक्टर को कैंसर वाली स्टोरी तो मैंने यूट्यूब के ऊपर चढ़ाई हुई थी, कितने सारे लोगों को कैंसर मिट गया है, कितने सारे लोगों की शादियां हो चुकी है। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में भी खुशियों का आगमन हो, तो आपके परिचित वाले जितने भी महाराष्ट्र के, यहाँ से आप जो जो भी गांव में से सबसे आना ही आना है, लेकिन महाराष्ट्र और पूना वाले सारे रिश्तेदारों को आपको बोल देना है कि 29 को सभी को पूना आना ही है। एक बार सभी को दिल से प्रणाम, दिल को धन्यवाद। आप सभी लोग संकल्प करें, सिद्धि को हासिल करें, बड़े बड़े ऐसे इतिहास का निर्माण करें, अवश्य में आपके सारे सपने भगवान आदिनाथ स्वामी जी, तीर्थंकर भगवान, आपकी कुलदेवी माता परिपूर्ण करे। यही भावधारा के साथ में सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। कल हम सभी लोग और डिटेल के साथ में वास्तु, न्यूमरोलॉजी, भक्तामर हीलिंग की अलग अलग गाथाएं किस प्रकार से वर्क करती है। अभी गर्मी में से पूरी तरह से, अभी धीरे धीरे बारिश का मौसम आने वाला है, चारों तरफ वायरल फटने वाला है, तो उस वक्त आप कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, उन सभी की बातें। और जो जो लोगों को अपने गांव में सेंटर खोलना है, एक सबसे पावरफुल चीज है, आप आपके गांव के अंदर महीने में खाली एक दिन दीजिए, उसे नक्षत्र के दिन सुवर्ण प्राशन, जितने भी गांव के जैन अजैन हिंदू मुस्लिम कोई भी है, उस सभी लोगों को भक्तामर की छठी गाथा का बोलते बोलते उनके मुंह में 2 बूंद सुवर्ण प्राशन आप भेजिए। अपने जैनाचार्य हितरुचि महाराज जी की कृपा से ये क्रिया करोड़ों लोग ले रहे हैं, तो उनमें भी किसी को इच्छा है, कोई 1 रुपया नहीं देना है, देने वाले हजारों लोग हैं। खाली आप नक्की करो कि पुष्य नक्षत्र के दिन 2 घंटे में निकालूंगी, भक्तामर की छठी गाथा सुनाऊंगी, 5 बच्चे 10 बच्चे 50 बच्चे को मेरे घर पे मैं बुलाऊंगी, और सभी को ये सुवर्ण प्राशन का अमृत बिंद उनके मुंह में डालूंगा, जिनके कारण इतनी पावरफुल याद शक्ति, मेमोरी पावर, स्टेमिना बढ़ने वाली है। तो कुछ ना कुछ करते हुए हम सभी लोग जैन शासन की सेवा करें, यही भावधारा के साथ में सभी को दिल से प्रणाम, नमस्कार, जय जिनेन्द्र। कल बराबर 5 बजे मिलते हैं।